सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। तो अभी मैं भानु भैया से निवेदन करूंगी कि भानु भैया आज की चर्चा को शुरू करें। जी नमस्ते भैया, ओवर टू यू। दीदी नमस्ते नमस्ते सभी को। मैं आप लोगों के साथ 4 महीने के इस मॉर्निंग सेशन में जो स्वयं को समझने की यात्रा है, चर्चा के माध्यम से भी अभ्यास के माध्यम से भी, उन सभी में सभी सत्रों में 4 महीने मैं को फैसिलिटेटर की तरह आप लोगों के साथ उपलब्ध रहूंगा। और जो प्रस्ताव है इस संदर्भ में पीपीटी के माध्यम से आपको साझा करूंगा, उस पे हम लोग संवाद करेंगे और कुछ अभ्यास भी करेंगे। कुछ अभ्यास हम लोग यहीं पर सत्र के दौरान ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिलेगा उसमें करेंगे, और कुछ अभ्यास हम लोग दिन के लिए तय करेंगे कि दिन में कुछ अभ्यास किया करेंगे, जो भी चर्चा यहाँ होंगी उसके माध्यम से। और जैसे जैसे हम लोगों का अभ्यास और चर्चा और गहराई में जाएगा, धीरे धीरे कुछ अभ्यास ऐसे भी चिन्हित करेंगे जिनको हम 24 घंटे होश में रहकर करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरह से देखेंगे तो ये मॉर्निंग सेशन में हम लोग अपने को समझने का काम करेंगे, अपने सुख से संबंधित, सुख से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनको समझने का काम करेंगे, समझते हुए उन पर अभ्यास करेंगे। समझने का काम, अभ्यास का काम प्रस्ताव के माध्यम से होते हुए, संवाद के माध्यम से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस मॉर्निंग सत्र में जो आपसे अपेक्षा है, तो एक तो अपेक्षा ये है कि आप सभी लोग रेगुलर अगर सभी सत्रों में जुड़े रह सकें, क्योंकि ये जितने भी सत्र हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक सत्र दूसरे सत्र का फाउंडेशन है, तो बीच में अगर वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती तो एक गैप बनता है जिससे पूरी बात को एक साथ जोड़ पाने में कठिनाई आती है। फिर हम उन निष्कर्षों को भी अपने तरह से भर के निकालते हैं उस गैप को, तो जो निष्कर्ष निकालते हैं वो कई बार अन्यथा निष्कर्ष भी निकल जाता है। इसलिए पहली अपेक्षा तो आप सबसे ये है कि आप सब सभी सत्रों में समय से जुड़े रह पाए, तो हम लोग उसको कनेक्टिविटी में कर पाएंगे। दूसरा अपेक्षा यह है कि जो भी प्रस्ताव हम लोग इस सत्र में प्रस्तुत करेंगे पीपीटी के माध्यम से, उस पर उसकी चर्चा में सक्रिय भागीदारी करें। तो जो भी आपको उसमें संवाद प्रश्न बनते हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, उन सबको जरूर शेयर करें, प्रश्नों को भी रखें। उसके लिए जैसा दीदी बता रही थी कि आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है, आप हैंड रेज करेंगे, आपको माइक उपलब्ध करा दिया जाएगा और फिर हम लोग संवाद कर सकते हैं। तीसरी अपेक्षा आपसे ये रहेगी कि जो भी हम लोग ये मॉर्निंग सेशन में कुछ छोटे छोटे अभ्यासों पे चर्चा करेंगे, उन अभ्यासों को इस 1 घंटे के सत्र के दौरान ही कुछ कई बार करेंगे तो उसको सत्र के दौरान भी करें, और फिर उन्हीं अभ्यासों को या उसके साथ कुछ जोड़कर आपको दिन में कभी अपेक्षा रहेगी कि कभी घंटे भर आधा घंटे इतना भी समय निकाल पाए उसको एक बार फिर से सब उस अभ्यास को करें, तो एक अभ्यास को भी हम साथ में भी मिलकर कर सकें और बाकी दिन में जब भी आपको समय मिले तो उसको कर सकें। चौथी अपेक्षा ये रहेगी आप सभी से कि अगर आप सब लोग एक नोटबुक अपना साथ में लेके बैठा करें इस सत्र में, ताकि जो भी जरूरी बातें आपको ध्यान में आती है उसको उसमें लिख सकें। अगर ना भी वो कर रहे हैं तो कम से कम जो भी प्रस्तावों पे चर्चा हुआ, जो भी बात घंटे भर में ध्यान में आई, जो भी अभ्यास दिए गए या यहाँ कराए गए, उसके बुलेट पॉइंट्स आप सत्र के समाप्त होने के बाद या जब भी समय मिले उस नोटबुक में लिख सकें। मुख्यतः उस नोटबुक का उपयोग जो रहेगा वो तो ये रहेगा कि हम लोग इस सत्र के दौरान जो भी अभ्यास करेंगे और उन अभ्यासों को और गहराई से करने के लिए जब आपको आग्रह करेंगे, पर जब आप घर पे उन अभ्यासों को कर रहे होंगे तो कुछ प्रश्न बनेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, तो उस नोटबुक में आप डे वाइज उसको नोट कर सकें और अगले दिन अगले सत्र में या उसके अगले दिन जब कभी भी आपको अवसर मिले तो उनको यहाँ रख सकें, उस पर चर्चा कर सकें। तो इस मॉर्निंग सत्र को शुरू करने से पहले हमको इतनी बात आपके साथ चर्चा करनी थी अपेक्षा के रूप में। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग अपने आप को समझने का काम करेंगे।
जब अपने आप को समझने जाएंगे तो सुख भी अपने आप से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो सुख को भी समझने का काम करेंगे। तो सुख भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक ढंग से देखें हम सब लोग, तो जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं आज के दिन, चाहे समझने का, चाहे समझ कर जीने का, चाहे बिना समझे जीने का, तो ये जो जीना है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो है ही, उससे जुड़ा हुआ, पारिवारिक जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, समाज में से भी जुड़ा हुआ है, इस पूरे प्रकृति अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दूसरी भाषा में कहूँ तो अपने से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक हमारे जीने का जो फैलाव है, हम उस पूरे में ही जी रहे हैं। तो इस पूरे जीने को जब हम देखते हैं तो इस पूरे जीने में सुख एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो बहुत सारा प्रयास हम कर रहे हैं, स्वयं में भी बाहर भी, तो ये प्रयास सुख के अर्थ में कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सुख को ही थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो इसी को थोड़ा स्वयं में जांचने की कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अंततो गत्वा सुखी होने के लिए कर रहे हैं, या हमारा इसके अतिरिक्त भी कोई लक्ष्य है। तो हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके कुछ धन अर्जन कर रहे हैं, घर की व्यवस्थाओं को उससे बना रहे हैं, बाकी समय में सम्मान पूर्वक जीने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब ठीक से कर सके उसको, उसके लिए स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ कर जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सारा का सारा प्रयास स्वयं में सुखी होने के लिए कर रहे हैं, या कोई और लक्ष्य है। तो जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं आज के दिन, अंततो गत्वा जो लक्ष्य है वो सुखी होने का है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है सुख से जुड़ा हुआ, कि हम कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या निरंतर सुखी होना चाहते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है, कैसे हम देख पाते हैं सुख को, हम कभी सुखी कभी दुखी होते रहना चाहते हैं या निरंतर सुखी होना हमारा लक्ष्य है, ये दूसरा प्रश्न है। तो दो प्रश्न हमने रखे, एक ऑब्जर्वेशन ये रख, एक प्रश्न ये रखा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अंततो गत्वा सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं या हमारा कोई और लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न ये रखा कि हमारे लिए सुख का क्या मतलब है, हम कभी कभी सुखी होना हमको हम चाहते हैं या निरंतर सुखी होना चाहते हैं। तीसरे प्रश्न को देखें सुख से जुड़ा हुआ, तो एक प्रश्न ये भी है कि सुख को समझकर हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या सुख को बिना समझे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, एक ये तीसरा प्रश्न है। इसी तरह से देखें तो चौथा प्रश्न भी सुख से जुड़ा हुआ है कि हम कुछ करके सुखी होना का प्रयास कर रहे हैं या सुखी होकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, एक चौथा मुद्दा भी सुख से जुड़ा हुआ। और इन सारी बातों को अगर एक साथ रख के मैं कहूँ तो उसको इस रूप में पूछूंगा कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है। इन प्रश्नों को अपने भीतर एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या हमको उत्तर मिल रहा है, फिर हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। जिन्हें का हैंड रेज है वो अपने प्रश्न रख, अपना ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। नमस्ते सभी को भैया। नमस्ते। अभी ये जो प्रश्न है तो इसको मैं देख पा रही हूँ कि जिस जिस समय हम सही समझ के आधार पर निर्णय ले पाते हैं तो उस वक्त हम सुख में होते हैं। और जैसे मेरा एक अनुभव मैं बहुत दिनों से मतलब साझा करना चाहती थी कि कुछ समय से मतलब 6 साल से मैं संभाजी नगर में स्थित हूँ और पहले मैं पुणे में रहती थी।
और मेरा ऐसा होता था कि आ तो गई हूँ संभाजीनगर में, लेकिन हर बार ऐसा दुगल भावना होती थी कि हो सकता है हम पूना में फिर से चले जाए और वहां सेटल हो जाए, या फिर कंटिन्यूअस ये चलता था दिल में, दिमाग में। और ऐसा लगता था हम हस्बैंड वाइफ ये निर्णय ले पाए, मैं हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती थी, हस्बैंड मुझ पर डिपेंडेंट होते थे इस डिसीजन के लिए। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं और जैसे इस पर, मतलब अभी तो वैसे मैं कहूंगी बहुत कम काम हो रहा है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है, मतलब इंटरनली ये काम चल ही रहा है। लेकिन इतना उसमें ध्यान आया कि जब मैंने वो इवैल्यूएशन किया कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ पूना, और ऐसे कुछ सवाल खुद से पूछे, और पूना जाके अलग से क्या होने वाला है वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ सवाल पूछे, तो एक समय आया कि मैं इस निर्णय पर स्थित हो पाई कि अब मुझे संभाजीनगर में ही स्थित होना है। और इससे मुझे अंदर से बहुत ही रिलीविंग सा फीलिंग आया, क्योंकि वो जो कंटिन्यूअस दो विचार चल रहे थे उससे अंदर से सेल्फ परेशान था, और पूरा घर का डिसीजन उस पर डिपेंडेंट था। जैसे हम लोग रेंटेड हाउस में रह रहे थे, वहाँ का डिस्कम्फर्ट, मतलब पूरे परिवार को जो बेसिक सुविधाएं होती है, जो चाहिए होती है, तो उनमें भी ये हो रहा था। तो मतलब खुशी की बात, मैं आज पहले ही सत्र में बताना चाहूंगी कि इस निर्णय को लेने की वजह से मैं अपना खुद का घर भी ले पाई, और मुझे ऐसे लगता है कि अपने आप में ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि हुई कि मैं इस तरह से अपना निर्णय ले पाई। बस इतना ही बताना चाहती थी भैया। जी दीदी, मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कि मैं किसी शहर विशेष में रहूंगी तभी सुखी होंगी, ये स्वभाव है या प्रभाव है? ये तो प्रभाव है भैया, लेकिन वो जो निर्णय न ले पाने की स्थिति थी, मतलब ये निर्णय ले पाना कि बस पूना जाने से मैं मुझे कोई अलग सा सुख नहीं मिलने वाला हूँ, मैं जहाँ हूँ वहां मैं सुखी रह पाऊँ, ये निर्णय ले पाना मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो मैं शायद ये राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कर पाए, ऐसे मुझे लगता है। जी, डिसीजन राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर है, और राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है अगर उस प्रश्न को देखते हैं कि सुखी होना मेरे जो स्वयं में स्वीकृत भाव है, जो मेरे सहज स्वीकार भाव है, उसको समझकर जब मैं अपने में सुनिश्चित कर पाती हूँ तो मैं उससे सुखी होती हूँ। किसी शहर विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष का जुड़ाव जब मैं अपने सुख के साथ देखती हूँ तो ये प्रभाव है, तो ये प्रभाव से सुखी होने का प्रयास करना। लेकिन जो जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ उसको सही समझकर उसके आधार पर अपना सही भाव सही व्यवहार सुनिश्चित कर पा रहा हूँ, ये इससे जो मेरे में सुख हो रहा है ये स्वभाव है। और स्थान विशेष से जो जोड़कर सुख को देखने का प्रयास कर रहे हैं ये प्रभाव है। ये बात आप अपने देख ही पा रही होंगी, ऐसा मैं आपके बारे अनुमान लगा पा रहा हूँ आपके चर्चा से, ये ठीक है क्या? हाँ भैया, मतलब अभी वो जो खुद से अपेक्षा थी कि हाँ मैं पूना में जाऊंगी तो शायद मतलब वो प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, या मतलब मैं 15 साल पूना में रही हूँ और किसी कारणवश 2018 में हम लोग औरंगाबाद शिफ्ट हुए, तो हर बार ऐसी भावना होती थी कि नहीं, हम फिर से पूना में जाएंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे, या फिर वो ही हमारा अल्टीमेट गोल है, ऐसे लगता था, मतलब सेटल होने के बारे में ऐसे बता रही हूँ। लेकिन जी अब ऐसे नहीं लगता कि मतलब हाँ, लेकिन इस पूरे एपिसोड से जो निष्कर्ष आप निकाल पा रही हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ।
हम पुणे में जाएंगे, पुणे में हमारे ज्यादा ऐसा मुझे परिचित नहीं लोग हैं, लगता, वहाँ लेकिन के ज्यादा व्यवस्थित लोग हैं, है ना, या वहाँ पर ज्यादा परिचित लोग हैं, वहाँ के व्यवस्थाओं से हम परिचित हैं, उससे जीना हमारा आसान हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि हम सुखी हो जाएंगे, या नहीं आपको ये लगता है कि हमारा जो भाव है ना, जो स्वयं में सहज स्वीकार भाव है, उसको हम खुद में समझ सकें, अपने में सुनिश्चित कर सकें, उससे सुखी हो जाएंगे? तो अपने सुख को कैसे देख रहे हैं? उल्टा ऐसे है कि परिचित तो ज्यादा संभाजी नगर में है, और मेरे अपने पेरेंट्स यहाँ हैं जो भी 70 अबव है। मेरे पापा तो 80 तक ऑलमोस्ट जा चुके हैं, तो उल्टा है, मुझे अवसर है कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, कि इस एक ही शहर में रहने से मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। मेरे मेरी सासू माँ तो हम लोग तो साथ ही में रहते हैं, तो उनकी तो सेवा मैं करती हूँ, मतलब भगवान की कृपा से वो फिट है। तो अभी ऐसे कोई फिजिकल सेवा करने का मौका नहीं है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था देखना, उनकी ओर देखना, ये काम मैं कर पाती हूँ। तो हर तरह से मतलब जो करने लायक है, मेरे काफी रिश्तेदार यहाँ है कि कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम जाकर उनको मिल सकते हैं। उनकी उनके लिए मतलब जो भी करना है, टिफिन, ये मतलब जो भी सेवा संभव है वो हम यहाँ रहकर कर पाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था वो एक भाव पाना था, जैसे पूना में जाना, मतलब जब मेरे बारे में कोई चर्चा करे तो हाँ ये पूना में है, तो बचपन से ड्रीम सिटी रहा है पूना मेरे लिए। तो लेकिन अभी 15 साल रहने के बाद ये बात समझ में आई कि शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कहाँ हैं, किस स्थान पर रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब थोड़ा बहुत वातावरण में फर्क है, कुछ उपलब्धियां वहां ज्यादा है, वो बात सही है, लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं अमेरिका भी चली जाऊं, लेकिन अगर मैंने अपने मन पे और अपने आप पे काम नहीं किया, तो वहां पे भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, ये मैं समझ पाती हूँ। ये मुझे बताना था भैया। जी, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने स्वयं के सहज स्वीकृत भाव को समझ कर अपने में सुनिश्चित किया है तो हम सुखी रह सकते हैं। ये जो जी शहर विशेष स्थान विशेष सुख को जोड़ के देख रहे हैं ना, वो एक तरह का प्रभाव है, जरूरी जी तो नहीं है कि मतलब उसको सुनिश्चित होगा ही, ऐसा आप कहना चाह रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से। बढ़िया, जी लीजिए और भैया, आगे चर्चा करेंगे, कुछ और जी साथी लोगों से बिल्कुल बात कर लेते हैं। सर, स्वभाव में अगर हम रहेंगे, स्वीकृत भाव के साथ जिएंगे तो सुख मिलेगा, यहाँ तक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से कुछ अनुकूल चीजें मिलती हैं हमको, जो हमारे स्वभाव में सुख को इंश्योर करती हैं। तो कई बार ये जो बाहर से अनुकूल परिस्थितियां हमें मिलती हैं, वे एक तरह का प्रभाव ही तो है, प्रभाव से भी हमें कई बार सुख मिलता है। तो मुझे सर इस पर थोड़ा जानना था कि ऐसे कई बार सिचुएशन बनते हैं जहां पर प्रभाव से भी हम सुखी होने का प्रयास करते हैं या जी, सुखी होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप कि कई बार हम किसी कमरे में हैं, वहां का टेम्परेचर अनुकूल है, बाहर निकले टेम्परेचर बहुत प्रतिकूल है, तो हमको लगता है कि ये जो अनुकूल टेम्परेचर है उस वो हमारे लिए सुखकारी है। और ठीक से देखने जाते हैं तो कई बार उसी कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, टेम्परेचर अनुकूल है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है उसका भाव हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उस अनुकूल टेम्परेचर के कमरे में भी बैठकर हमको बेचैनी होने लगती है। फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसी जगह ढूंढना पसंद करते हैं जहाँ टेम्परेचर भी अनुकूल हो और जो उस रूम में बैठे हुए लोग हों उनका भाव भी हमारे लिए अनुकूल हो। तो हम ऐसी जगह पे जाते हैं, थोड़े समय वहां हमको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में जिस व्यक्ति का भाव हमको अनुकूल लग रहा था, किसी घटना दुर्घटना स्थिति परिस्थिति बस उसका भाव फिर बदल जाता है, हम फिर बेचैन होने लगते हैं। तो चाहे बाहर से हम संवेदना अनुकूल संवेदना पाने का जो प्रयास कर, से सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं, या जिन लोगों जो लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारे लिए ठीक भाव रखते हैं, उनके आसपास रहकर जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर देखें तो इस दोनों में हमारी निर्भरता बाहर है और उसका जो सोर्स है वो बदलता रहता है। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वहां पर प्रभाव में से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि स्थायित्व नहीं है, सुख की निरंतरता उससे संभव नहीं। हमको सही समझ में आ जाए उसके आधार पर हमको
जो सहज स्वीकृत भाव है उसको हम अपने में सुनिश्चित कर सकें, तो सुखी होने का काम हमारा अपने भीतर हो गया। उसके साथ अब हम अनुकूल टेम्परेचर वाली जगह पर भी सुखी बने रह सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे है वहां पर भी अपने शरीर के प्रोटेक्शन के साथ सुखी बने रह सकते हैं। जो लोग हमारे साथ अनुकूल भाव के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं उनके साथ भी सुखी रह सकते हैं, और जो लोग हमारे साथ अनुकूल भाव से प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, जिनका भाव प्रतिकूल है, हम ये देख पाते हैं कि उन्होंने अपने में सहज स्वीकृत भाव को नहीं देखा है, नहीं सुनिश्चित किया है, इसलिए खुद बेचैन है, इसलिए उनकी बेचैनी ही प्रतिकूल भाव के रूप में बाहर मेरे तक आ रहा है। तो उसके साथ जब मैं देख पाता हूँ तो मैं उनके प्रतिकूल भाव से प्रभावित नहीं होता, और जो मैंने अपने में सही भाव समझ रखा है उसको बनाए रख पाता हूँ और खुद में सुखी रह पाता है। तो अगर हम अपने जीने को देखें तो इन तीनों स्टेजों में हम स्विच करते हुए दिखाई देते हैं। कैसा लगता है जी, कुछ जी ऐसा सर, ही? एकदम एकदम जी जी है, ऐसा ही है। समान रूप से जल्दी हम कई बार प्रभावित हो जाते हैं, उसमें ये समय हम ये नहीं देख पाते हैं कि सामने वाला सही भावों को नहीं समझा है, शायद इसीलिए कुछ चीजें रिलीज कर रहा है, और उसके उन चीजों के रिलीज करने से हम प्रभावित हो जाते हैं, और डिसीजन भी इतना फास्ट हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने भावों से सुखी हो रहे हैं लेकिन सामने वाला भी भावों को नहीं देख पा रहा है, उस कारण से हम जो हमारे अंदर बेचैनी है उसका कारण वही है। तो मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे शिफ्ट होने की जरूरत है क्या सर, कि हम ये भी देख पाए कि सामने वाला भावों को नहीं देख पा रहा है, भावों के आधार पर बात नहीं कर और रहा है। वो जी और ये शिफ्टिंग तो तभी हो पाएगी जब हम अपने में ये तय कर पाए कि मेरे लिए सुख स्वभाव है या प्रभाव है। अगर गहरे में ये स्वीकृति मेरे भीतर बनी है कि सुख प्रभाव है, तो मैं फिर बाहर के प्रभाव को ही अनुकूल बनाकर सुखी होने के कार्यक्रम को बनाता रहता हूँ कि दूसरे का जो भाव बिगड़ गया है मेरे लिए, उसका भाव किसी तरह से ठीक हो जाए समझ कर या जैसे भी, तो मैं सुखी हो सकता हूँ। बाहर जी की जी परिस्थितियां मेरे लिए अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो सकता हूँ। तो मेरा सारा प्रयास बाहर की परिस्थितियों को, बाहर के लोगों के भाव को ठीक करने के लिए होता है ताकि मैं उससे सुखी हो सकूं। उसमें समस्या ये है कि मैं एक तरफ से ठीक करता हूँ तो दूसरे तरफ से खराब होने लगता है ना, तो उसमें स्थायित्व तो नहीं हो पाता है। अगर ये हमको स्पष्ट है कि प्रभाव तो बदलते ही रहेंगे, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होंगे, और हमको ये भी स्पष्ट है कि सुख मेरे लिए प्रभाव नहीं है बल्कि स्वभाव है, तो मैं अपना भाव अपनी सही समझ के आधार पर, जो सहज स्वीकृत भाव है, उसको अपने में सुनिश्चित करके अपने सुख को सुनिश्चित करने का काम करता हूँ। बाहर की परिस्थितियों को जो प्रतिकूल है उनको अनुकूल जो बनाने का काम कर रहा हूँ, उसमें सुख नहीं ढूंढ रहा हूँ बल्कि वो मेरा जो जिसके साथ मेरा संबंध है, जो मेरे पास जी रहा है मेरे साथ, उसका भाव भी अपने में ठीक हो जाए, वो भी अपने में सहज स्वीकृत भावों को देखकर अपनी बेचैनी से मुक्त हो जाए, उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो वो भी सुखी हो जाए। इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाएगा तो उसका व्यवहार मेरे लिए ठीक होगा और फिर मैं उससे सुखी हो जाऊँ। अगर उसके लिए काम कर रहा हूँ तो अभी भी मैं प्रभाव को के रूप में ही सुख को देख रहा हूँ। स्वभाव सुख है ये अभी पहचानने में, ये अभी समझ पाने में अभी स्थायित्व नहीं बना है। क्या स्थिति है अजीत जी, अगर आप स्पष्ट करें। हाँ सर, तो ये जी अपनी स्थिति को स्वभाव में समझने की स्थिति में आऊं, इसके लिए अभ्यास आवश्यक है कि समझ आवश्यक है? समझ और समझ के साथ अभ्यास दोनों आवश्यक। जी, अभी जितनी लास्ट चर्चा हुई सर, तो इसमें बात तो यही ही है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही प्रयास प्रयास होता है कि सामने वाले का विचार भाव सही हो जाए, और हम भी अपने में स्वीकृत रहते हैं, माने रहते हैं कि हमारा तो ठीक ही है या हम तो अपने में काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो एक शिफ्टिंग वाला मामला है कि एकदम एकदम शिफ्ट हो जाए, और एकदम शिफ्ट होकर के हम इस बात पर इंश्योर हो जाएं कि हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं, सामने वाले से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो इतना इंस्टेंटेनियस है कि इमिडिएट नहीं होता है, बाद में कभी ध्यान जाता है कि हाँ नहीं, अभी हमको शिफ्टिंग हमारी हुई नहीं है, अभी हम इस जी बात पर पॉइंटेड नहीं हुए हैं कि जी प्रभाव को कैसे रोकना तो है या स्वभाव में कैसे आना है। जी, तो हम लोग आज से जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रति होश बढ़ाने का काम करेंगे,
कि हम जो भी सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रभाव से है या स्वभाव से, इस बात को आज दिन भर ध्यान में बनाए रखें कि मैं स्वभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ या प्रभाव से। तो मैं कमरे में टेम्परेचर अनुकूल करके सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, टीवी चलाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, मोबाइल पर रील्स देखकर सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, बाहर से कुछ अनुकूल चीजें खाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग मेरी बात स्वीकार लें मान लें उससे सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब प्रभाव से सुखी होने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हों, मेरे में जो सही समझ है उसके आधार पर मैं अपने में सहस्रकृत भाव को देखकर अपने में सुनिश्चित होकर सुखी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये स्वभाव है। और अपने में सुखी रहते हुए बाहर लोगों के साथ जो भी भागीदारी करनी है उसको मैं कर रहा हूँ। तो दोनों ढंग में से किस ढंग से जीने का प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए आज दिन भर हम सभी लोग होश को बनाए रखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि चीजें इंस्टेंट हो जाती हैं, चीजें इतनी तेज होती हैं कि पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे इसको होश पूर्वक अभ्यास करेंगे हम लोग इन 4 महीनों में, तो वो सजगता अपनी धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है अजीत जी, जी मिलिए सर, आपसे। जी सर। जी भैया जो अभी इस पे ध्यान दिलाने की और चर्चा हो रही है सुख को समझने की, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ या अपने में थोड़ा सा अनुभव कर पाता हूँ, तो वो ये चीज दिखाई देती है कि सुखी होने के लिए ही सारा प्रयास चलता रहता है। जी इतना तो समझ आता है, लेकिन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो एक अलग घटना हो जाती है, ये मुद्दा हो जाता है। लेकिन करते तो हम सारा काम सुखी होने के लिए ही, मतलब मैं अपने लिए देख पा रहा हूँ कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए ही करते हैं। तो अगर किसी से, लेकिन सुख का आधार अलग अलग जगह पे बदलता रहता है, कभी कभी किसी से अपने लिए अनुकूल भाव या अपने लिए स्वीकार्यता के लिए वो सुख के आधार पे काम करते हैं, कभी अपनी इंद्रियों के आधार पे सुख को पाने का प्रयास करते हैं, कभी जब ध्यान चला जाता है तो इस चीज पे विचार भी चलता रहता है कि अगर ये सुख नहीं है तो फिर सुख है क्या, और हम उस सुख को कैसे देख पाए। अभी देखने की वो सुख देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाया है कि वो दिख जाए कि जिसको हम कह रहे हैं कि मैं सुखी हो के कार्य करता हूँ। तो अगर सुखी जी हो के कार्य करता हूँ तो फिर मेरा कार्य मेरे सुख का आधार नहीं बनेगा, अगर मुझे ऐसा समझ आता है। और सुखी कार्य अगर सुख का आधार नहीं बनेगा तो फिर सुख है क्या जिस पे मैं हमेशा स्थिर रह सकता हूँ। ये थोड़े से विचार मतलब अपने अंदर अभी चलते रहते हैं जिसपे समाधान नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, जानने के लिए अभी ये एक प्रक्रिया चल रही है, ऐसा मेरा अपना अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ। जी भैया, नमस्ते। ठीक बात है। ये बात आप अपने में देख पा रहे हैं कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं मूलतः तो सुखी होने के लिए, निरंतर सुखी होने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, और हम सब भी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये भी आप देख पा रहे हैं कि बाहर कुछ करके सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं, जी और ये भी आप देख रहे पा रहे हैं कि कई बार सुख क्या है उस पर ही प्रश्न खड़ा होता है, तो सुख को समझना भी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये भी आप जी देख पा रहे हैं कि हम कार्य करके अगर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्रभाव जैसा है, जी भी हमारे लिए सुख क्या है वो समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग इस 4 महीने की इस यात्रा में इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। अभी तो बहुत बेसिक प्रश्न यहाँ से शुरू किए हैं अभी, कि सुख हमारे लिए स्वभाव है या प्रभाव है, किस संदर्भ में का क्या निष्कर्ष बनता है। भैया, स्वभाव मैं जैसा अभी जितना समझ पाया हूँ उसके आधार पे तो समझ तो यही बनती है कि स्वभाव तो सुखी होना ही है, हमारा स्वभाव सुख ही है, परंतु समझ से वो दिखने में नहीं आया है अभी, या ये नहीं पता लग पाया है कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये सुख है तो वो है क्या चीज़। वो अवस्था अभी नहीं पता चल रही, क्योंकि एक बार वो अवस्था दिख जाए या पहुंच जाए तो वो तो हो जाए ऐसा लग। तो प्रभाव, अभी तो हम सारा कार्य प्रभाव से ही सुखी होने के लिए करते रहते हैं बाहर से, कि जैसे अनुकूल परिस्थिति बन जाए या किसी के विचार मेरे अनुकूल हो जाए तो हम सारा प्रयास अपने जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके विचारों पे करते रहते हैं,
और जब उनसे अनुकूल प्रयास नहीं मिलता है तो आप अपने अंदर भी दुखी होते रहते हैं और फिर अपने व्यवहार से दूसरे को भी दुखी कर देते हैं, या जो बात कर रहे हैं उसी से ही दूसरे का अंदर अपने अंदर ये इस तरह का बात आ जाती है कि नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से ही वो दुखी हो रहा है, क्योंकि मैं उसकी स्थिति परिस्थिति जिसको वो सुख मान रहा है उसी को झकझोर दे रहा हूँ बीच बीच में, तो वो रिएक्शन दे देता है, वो रिएक्शन से हम प्रभावित हो जाते हैं। और फिर हमारा जो संवाद है अपने अंदर एक दूसरे तरह का संवाद दूसरे के प्रति विरोध में या विद्रोह में वो सब चलने लगता है। जितनी देर तक चलता है उतनी देर तक तो अपने अंदर मैं दुखी ही अनुभव करता हूँ, और जी उसके बाद फिर कभी जब वो दुखी अनुभव होने के बाद में फिर जब ये ध्यान जाता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और फिर मुझे मतलब सुखी होने के लिए कुछ काम करना, तो फिर कुछ और इधर उधर का फिर वही दूसरी बाहर से ही किसी और चीजों में अपना ध्यान लगाता हूँ, या तो बात को समझने में या फिर कुछ पढ़ने में या फिर कहीं और जाके देखने में किसी और से बात करने में, फिर वो फिर वापस फिर सुख पे आ जाता है। तो प्रभाव के द्वारा ही सुखी होने की सारा कार्य चल रहा है ऐसा तो दिखाई देता है, स्वभाव सुख का ही होता है ये भी दिखाई देता है, लेकिन वो है क्या चीज वो भी नहीं दिखाई देता। जी बढ़िया, तो ये एक अच्छी बात है कि आपका एक्सप्लोरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये आप देख पा रहे हैं कि हम अलग अलग सोर्सेस बदल रहे हैं, लेकिन उस सोर्सेस से जो भी सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं वास्तव में तो प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सुख का स्थायित्व नहीं है, सुख की निरंतरता नहीं, इतना आप देख पा रहे हैं। और ये प्रश्न बार बार आप में बन रहा है, फिर सुख है क्या, ये स्वभाव से सुखी होना है क्या, बातों जी को हम लोग और अभ्यास चर्चा भी करेंगे, इसका अभ्यास भी करेंगे, लेकिन अभी बहुत छोटा सा इनपुट इस संदर्भ में दे देता हूँ कि हम जी सभी लोग जो 8 दिन की यूएचवी की या अन्य कार्यशालाएं किए हुए उसमें बात हुई होगी सहज स्वीकृति की, तो जी हम अपने में देखें कि हमको कौन से भाव सहज स्वीकार है, विश्वास का, सम्मान का, अपमान का, द्वेष का, स्नेह का, है ना, इस तरह के बहुत सारे भाव हैं, उसमें से कौन से भाव हमको सहज स्वीकार है। और जब जी भी हम उन सहज स्वीकार भावों को अपने में सुनिश्चित करते हैं तो हम अपने में आराम महसूस करते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं। जब भी हमें वो भाव ठीक बने रहते हैं तब भी हमारा भगदड़, हमारी है ना हलचल वैसे ही रहता है या उसमें कुछ स्थिरता आती है, आराम आता है। इसको थोड़ा देखना शुरू करेंगे है ना, तो पता लगेगा कि हमारे भीतर भी कुछ सुख के स्रोत हैं, कि ये जो सहज स्वीकार भाव है इनको जब मैं ठीक से समझकर अपने भीतर सुनिश्चित कर पाता हूँ तो मेरा मैं आराम सुनिश्चित होता है, सुख सुनिश्चित होता है। ये जी भी एक स्रोत है जिसको मैं ठीक से अपने में कर कर करके और बाहर के प्रभावों से सुख ढूंढने से मुक्त हो सकता हूँ और खुद में इन भावों को ठीक कर कर सुखी होकर बाहर कार्य कर सकता हूँ। तो ये जो प्रश्न आपको बन रहा है ये सहारा बन जाएगा अपने भीतर सुख के उस स्रोत को ढूंढने का, जिसका काम हम लोग इन 4 महीनों में अभ्यास पूर्वक, संवाद पूर्वक, चर्चा पूर्वक करेंगे ही। तो अभी इतनी ही बात आपके साथ रखेंगे, आप इसको जांचिए अपने में, आगे फिर इस पर और बात करेंगे। इमिडिएट अगर आप इस मेरे इनपुट पर कुछ कहना चाहते तो सुन लेते हैं। मैं सहज स्वीकृति के लिए थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि ये जैसे सहज स्वीकृति का भाव अलग अलग मतलब भावों में सहज स्वीकृति हमको स्पष्ट रूप से तो नहीं, थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, मतलब स्पष्टता इसलिए नहीं क्योंकि वो भाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इस वजह से स्वीकृति दिखाई देती है, सहज स्वीकृति दिखाई देती है, लेकिन वो मेरा जो विचारों में जो एक जैसे कहें कि हमारा एक डुअलिटी जो दिखती है वो डुअलिटी इस फॉर्म में दिखाई दे रही है कि जब हम जैसे हमें कोई कार्य करना है तो हम उस कार्य को करने को अपने लिए जस्टिफाई करते हैं कि ये मेरी सहज स्वीकृति हो गई है, लेकिन वो कार्य के लिए तो सहज स्वीकृति नहीं है, सहज स्वीकृति तो भाव के लिए है। तो वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सहज स्वीकृति कार्य के ऊपर अप्लाई होती है कि भाव के ऊपर ही अप्लाई होती है, दोनों जगह अप्लाई होती है। तो कोई कार्य कर रहा हूं तो उसको भी देखेंगे तो उसके साथ भी कोई ना कोई भाव तो जुड़ा ही है ना, जी तो किसी भी कार्य को देखेंगे है ना, तो जी पेड़ के साथ मैं कुछ निर्वाह कर रहा हूँ, वहां पे भी कुछ भाव तो मेरे भीतर है ही, कि मैं जी उसके साथ संबंध को महसूस कर रहा हूँ और पेड़ मेरे लिए परस्पर पूरक है और मैं अपने तरफ से उस परस्पर पूरकता के अर्थ में कुछ निर्वाह कर रहा हूँ।
ये जुड़ाव में पेड़ के साथ देख पा रहा हूँ कि नहीं, पशु के साथ देख पा रहा हूँ कि नहीं, या 10 आदमी मिलके हम लोग आपस में कुछ काम कर रहे हैं प्रकृति के साथ, तो हम 10 लोगों के बीच में कैसा भाव है ना? तो देखें तो भाव तो जुड़े ही हुए हैं, है ना, जिस पर हम लोग आगे करेंगे, इसको आप जी शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यात्रा है, 4 महीने चलना है अपने को। भैया, जी भैया, थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया जी। भैया जो हैप्पीनेस इज इट आवर इनेट नेचर और इज इट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उसके बारे में बोलना चाहता था। जब जी मैं यूएचबी ज्वाइन नहीं किया था तो ये सब में समझ नहीं था, तो कोई कुछ बोल देता था तो हम दुख हो जाते थे, और कोई अगर हमारी तारीफ करता था सुखी हो जाते थे, या कुछ भी कभी बात करते थे आर्गुमेंट होता था तो तब दुखी हो जाते थे। मगर अब ऐसा होता है कि किसी से बात करते हैं आर्गुमेंट हो जाने के बाद भी हम तो दुखी नहीं होते हैं, मगर हम ये समझते हैं कि चलो उसका ये समझ है, वो इतना समझता है, बस इतना समझते हैं, मगर वहां पे हम उसके साथ वो रिलेशनशिप का भाव ही नहीं दिखता है भैया। तो ये जी मुझे समझ में आता है कि ये तो मैं तो अपना हैप्पीनेस मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा हैप्पीनेस है, मगर ये हैप्पीनेस तो मेरा है ही नहीं। तो ये रिलेशनशिप कैसे दिखे कि जो अगले व्यक्ति था जिसके साथ हम बात कर रहे हैं और समझ नहीं, उसको अगर कुछ बोल दिया तो मैं तो अपने आप को मना लिया कि नहीं वो उसका समझ है, और मैं खुद को दुखी नहीं करता हूँ, ना हैप्पीनेस होता है ना दुखी होता है, सब जैसे भाव में रहता हूँ वैसे ही भाव में रह जाता हूँ, तो इसको जी मैं क्या बोलूँ भैया? इस पे हम लोग आगे अभी और चर्चा करेंगे भैया कि ये जो सुख है वो क्या है, सुख हार्मनी है या कोई एक्साइटमेंट है, क्या है सुख, उस पर आगे चर्चा करें। तो जिसको आप समभाव कह रहे हैं उसको हम लोग हार्मनी कह रहे हैं, जिसको अभी एक्साइटमेंट है कई बार हम उसको भी सुख के रूप में देखने लगते हैं, है ना? तो ठीक से इसको अपने भीतर और जांचने की कोशिश करेंगे कि हम सुख को अपने भीतर एक्साइटमेंट के रूप में देख रहे हैं या हार्मनी के रूप में देख। नहीं, मगर भैया मेरा और जो क्वेश्चन था कि जो सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है अगर मुझे बुरा लगता है या कुछ लगे तो मैं वहां पे समझता था कि वो इतना उसका समझ है, वो उसका व्यक्तित्व बात है, वो इतना बोला बस इतना ही मैं समझता था, मगर वहां पे मुझे उसके साथ रिलेशनशिप नहीं दिखता था भैया, उसके बारे में क्या बोलेंगे, कैसे दिखे? तो धीरे धीरे अपने भीतर इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि अभी जितने लोगों के साथ भी अभी आपको संबंध दिख रहा है ना, वहां तक कैसे आप उसको एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जहां पर अभी आपको लगता है कि संबंध नहीं दिख रहा है लोगों के साथ, वहां पर कैसे सुख को देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर थोड़ा अपने भीतर इस बात को जांचने की कोशिश करें कि सुख आप स्वभाव के रूप में देख रहे हैं कि प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। जहां तक संबंध की बात है, जहां संबंध नहीं दिख रहा है कैसे दिखेगा, उस पर हम लोग आगे चर्चा करें। अभी जितना बात आप रखे हैं उसका इस स्लाइड से जितना संदर्भ है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिनके साथ संबंध दिख भी रहा है और जिनके साथ नहीं भी दिख रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में जो आप सुख को देख रहे हैं वो स्वभाव है उस रूप में देख रहे हैं या प्रभाव है उस रूप में देख रहे। संबंध जहां नहीं दिख भैया रहा है वहां कैसे दिखने लगे, उस पर आगे बात। भैया वहां पे एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये समझ लेता हूँ कि वहां पे वो उसका भाव, वो उसका समझ है, उसको इतना आता है उतना को बोला, बस मैं ये समझता हूँ, मैं दुखी नहीं होता ना सुख नहीं होता, मगर मुझे वहां पे उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं दिखता है भैया। ठीक है, तो इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। अभी थोड़ा इस प्रश्न पे मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। सुख है ये हमारे स्वभाव में है, तो फिर इसको एक्सप्लोर क्यों करना पड़ रहा है हमें? जी जो चीज स्वाभाविक है वो तो आ जानी चाहिए थी, जबकि जो अस्वाभाविक है उसको तो हम लोग बड़े चाव से उसी के पीछे पड़े हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से जो सुख मिलता है उसको तो हम लोग लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेचर में है, स्वभाव में है, उसके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।
जबकि प्रिंसिपली सभी इस बात से सहमत हैं कि वो सुख सुखी होना चाहते हैं। ये एक बेसिक सवाल था मेरा आपसे। जी अभी क्या है जी भैया ना कि अभी जी हम दोनों ही चीजों को माने रहते हैं जी कि सुख स्वभाव भी है और सुख प्रभाव भी है, और जी सुख प्रभाव है उसको बहुत गहराई से माने रहते हैं कि अनुकूल संवेदना से ही सुखी होंगे, दूसरों से भाव पाकर ही सुखी होंगे, पद प्रतिष्ठा से ही सुखी होंगे, पावर से ही सुखी होंगे, धन संग्रह से ही सुखी होंगे, ये भी मान्यता हमारे भीतर बहुत गहरे में बैठी रहती है। तो ये जो मान्यताएं इतने गहरे में बैठी रहती हैं जी उसको हम काफी स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करते रहते हैं, इसलिए सुख बाहर ढूंढते रहते हैं, इसलिए जो हमारा स्वभाव है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम उस पर काम ही नहीं कर पाते, और बाहर के प्रभाव को ही अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाते रहते हैं। जी इसलिए प्रश्न को सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि सुख हमारा प्रभाव है या स्वभाव है। एक बार ये हमको स्पष्ट हो जाए कि सुख स्वभाव है तो फिर जी हम अपने भीतर देखेंगे कि ये जो स्वभाव है ना, उसको हमको हमारे अंदर ये बना ही हुआ है ना, और स्वीकार जी ही है, हमको सिर्फ उसको देख लेना है और अपने कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को उसके अनुसार है ना, जैसा वो सहज स्वीकृत भाव है वैसा सुनिश्चित कर लेना है ना, और जो हमने प्रभाव के रूप में सुख को मान रखा है उसको ठीक ढंग से मूल्यांकित करके उससे मुक्त हो जाना है। तो जो जी हमारा स्वभाव है हमें बना ही है सहज रूप से है ना, प्राकृतिक रूप से जो हमको स्वीकार ही है, हमें है ही, हम जी उसको अपने विचार में, अपने कल्पनाशीलता में सुनिश्चित कर पाते हैं और उसको निरंतरता में बनाए रख पाते हैं, और सुख के स्रोत के रूप में वो कार्य करता रहता है और हम सुखी होकर बाहर जो भी एग्जीक्यूशन है उसको करते रहते हैं। जी लेकिन अभी जो मूल झंझट है कि हमने प्रभाव को भी बहुत गहरे में सुख मान रखा है, हाँ इसलिए वही अभी है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर के प्रभाव को ही अनुकूल बनाने में ऊर्जा लगाते रहते हैं और अपने भीतर हम फोकस नहीं कर पाते कि हमारे भीतर भी सुख का कोई स्रोत है। जी ये झंझट है, इसीलिए हम लोग सीधे सीधे यहीं से शुरू कर रहे हैं। एक बार ये तो तय कर लें कि सुख प्रभाव है या स्वभाव है, और अगर दिव्या स्वभाव है तो प्रभाव को मूल्यांकित करके उससे मुक्त होंगे, और फिर स्वभाव है उस पर फोकस बनाए रखें। जी जी ठीक भाई, है भैया, धन्यवाद। 5 मिनट के लिए मैं एक छोटे से अभ्यास के लिए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा अभी, उसके बाद फिर हम, तो जैसा आप लोग बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है, तो इसको अगर देखने जाएं तो हम जब भी घर में अकेले हैं या कभी कुछ देर बैठे हैं तो हम सुखी होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ने लग जा रहे हैं, मोबाइल चलाने लग जा रहे हैं, टीवी देखने लग जा रहे हैं, किसी से बात करने लग जा रहे हैं, कुछ खाने लग जा रहे हैं, कुछ बाहर देखने लग जा रहे हैं, इन सब प्रक्रियाओं से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, या इन सब प्रक्रियाओं को किए बगैर भी हम अपने में सुखी होने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, अपने में कुछ सहज स्वीकृत भाव है उनको समझकर, उनको अपने में सुनिश्चित करके सुखी होने का प्रयास करें। अगर उसको कर रहे हैं तो हमको इतनी जगह बाहर बहुत सारी है ना, बहुत एक्टिविटी को अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एनीवे, क्या स्थिति है उसको आज हम लोग मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अगले 3 से 5 मिनट हम थोड़ा स्थिर होकर बैठें और थोड़ा ऑब्जर्व करें कि हमारी क्या स्थिति है। हम 3 से 5 मिनट अपने साथ बैठ सकते हैं क्या? बाहर किसी अन्य स्रोत के साथ इन्वॉल्व हुए बगैर, फिजिकली या वैचारिक रूप से। कई बार हम फिजिकली तो नहीं इन्वॉल्व है लेकिन बैठकर कल्पनाशीलता में अपने विचारों में दूसरे आदमी के बारे ही चला रहे हैं, दूसरे सोर्सेस के बारे ही कुछ चला रहे हैं, कुछ संवेदनाओं के बारे ही चला रहे हैं, कुछ फिजिकल फैसिलिटी के बारे ही चला रहे हैं, तो
अभी 5 दिन से 5 मिनट हम कोशिश करके अपने साथ बैठें और थोड़ा देखें कि हमारी क्या स्थिति है, में आराम में है या इन सब प्रभावों के बारे में ही अपने एफर्ट्स को कर रहे हैं, फिजिकली या वैचारिक रूप। तो अगले 3 से 5 मिनट मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। हम 3 से 5 मिनट कोशिश करें कि स्थिर होकर थोड़ा बैठकर या ऑब्जर्व करें कि हम, तो अगले 3 मिनट मैं चुप रहूंगा और अगले 3 मिनट हम लोग सिर्फ अपने साथ रहेंगे, अपनी स्थिति को देखेंगे कि हम बाहर के प्रभाव को बहुत लाए बगैर अपने को देख सकते हैं क्या। अगले 2 से 3 मिनट मैं चुप रहूंगा, हम लोग अपने साथ बैठेंगे, अपने पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और देखेंगे हमारी क्या स्थिति है। जी, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा उस पर से सुनते हैं। जी और लगातार प्रयास भी होता है, और अब तो काफी अच्छे से दिखाई भी देने लगा है कि सुख तो जो है स्वभाव है, और उस स्वभाव के साथ ही ऑब्जर्व करते हैं और निरंतरता में बने रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बराबर भैया, ये अक्सर ऐसा होता है, चूंकि एक मनुष्य होने के कारण से हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जो हमारा परिवार है, हमारे संबंधी हैं, हमारे बेटे हैं, या हमारे जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, कभी कभी हम उसके प्रभाव में सुख से थोड़ा सा डाइवर्ट भी होते रहते हैं, और जो अपनी हारमोनी है, अपनी जो व्यवस्था है, उसमें डाइवर्ट होते हैं। पहले डाइवर्जन ज्यादा होता था और बहुत दूर तक बहते हुए चले जाते थे। अब क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे वो डाइवर्जन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी भैया होता है, और सतत प्रयास जारी है। और जो हमारी ये पूरी टीम है, चाहे सुबह के सत्र की हो या कॉलेज लेवल की टीम हो, मैं बेसिकली भैया वाराणसी का रहने वाला हूँ और यूएचपी के कंटेंट से ही गो थ्रू हो रहा हूँ, तो इसलिए अपने में जो गति सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बच्चों के साथ जी पा रहा हूँ, उसके कारण से और चीजें बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। वैसे ही जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो भैया, तो उसमें ये होता है कि जब सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम पढ़ाने जाते हैं, किसी दूसरे को बताने जाते हैं कोई सब्जेक्ट या कोई विषय, तो उसके लिए हमारी तैयारी थोड़ा और स्ट्रेंथेन होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमको इस कंटेंट के साथ पिछले 2-3 सालों से मेरा लगातार जुड़ाव रहा है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाने के साथ इस सब्जेक्ट को आप लोगों के साथ जीता था, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, और 1 साल पहले मतलब मैं चूंकि किसी हेल्थ ग्रुप से जुड़ गया था, तो वहां के बच्चों के साथ मैंने खूब ढेर सारे प्रयोग किए, तो वो जी भैया, प्रयोग अब हमारे हाँ, अंदर बहुत आपके सीखा इन देते हैं। प्रयोगों के बारे में भैया हम लोग आगे सुनेंगे। हाँ, जरूर जरूर भैया, है जरूर तो जरूर मैं एक दो बातें कह के उसको क्लोज करना चाहूंगा। एक तो जी आपके शेयरिंग के संदर्भ में, जो आप जी सब लोग पुराने लोग हैं, इतने वर्षों से लगे हैं उनके साथ, तो मैं टू द पॉइंट कुछ बातों को रख देता हूँ। कई बार जी हम कुछ मान्यताओं को जोड़कर चीजों को देखने लग जाते हैं तो हमारी गति आगे नहीं हो पाती। तो जैसे हमारी एक मान्यता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए प्रभाव में जीना हमारी मजबूरी है। जी भैया, इसको जांचिएगा हाँ कि हम सामाजिक प्राणी हैं लेकिन प्राकृतिक प्राणी भी हैं, जी और ये समाज भी प्रकृति का हिस्सा है, जी और जो भैया हमको सहज स्वीकृत भाव है वो सब भी प्राकृतिक ही है जी ना। तो हम अपने स्वभाव को सुखी रहकर, स्वभाव को है ना, अपने में देखकर, अपने सहज स्वीकृत भाव को देखकर, अपने में सुनिश्चित होकर सुखी रह सकते हैं, और सुखी रहकर समाज में और प्रकृति में और उचित और बेहतर और स्थायी भागीदारी कर सकते हैं। जरूर इसको जरूर भैया जरूर जांचिएगा, एक बार बैठेंगे और फिर जो हमको भी स्थिति ऑब्जर्वेशन में आती है उसको लिखेंगे, और कल जब सुबह 6:30 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे तो आप में से कुछ लोग अगर उस लिखे हुए ऑब्जर्वेशन को शेयर करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, तो हम लोग करेंगे। आज की चर्चा को हम लोग यही रोकते हैं।